तो जो काफी सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो एक जगह पे जब कलेक्शन होता है उनका तो उनके लिए टर्म यूज करते हैं सीएनएस में दैट इज न्यूक्लियस और वही अगर एक कलेक्शन है न्यूरॉन्स का न्यूरॉन की सेल बॉडी का अगर वो कलेक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो अपन टर्म यूज करते हैं दैट इज गेंगलिया तो गेंग्लिया और न्यूक्लियस दोनों ही एसेंशियली एक ही चीज को सिग्निफाई करते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरोन बट ये सीएनएस में टर्म यूज करी जाती है और ये वाले टर्म यूज करते हैं हम पीएनएस के लिए नव यह थर्मोरेग्युलेन सेंटर तो थर्मोरेगुलेशन यानी कि जो हीट को कंट्रोल करता है ये सेंटर भी हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है अगेन दो न्यूक्लियस होंगे एक होता है एंटीरियर यानी कि अगेन उसकी हाँ, साइड के ऊपर की एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर साइड है तो एंटीरियर इज लाइक टुवर्ड्स दी हेड तो जो आगे वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का वो होता है एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियस होगा दैट इज एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस और इसके अलावा होता है प्री ऑप्टिक एरिया ऑप्टिक एरिया आंखों के साथ एसोसिएटेड है और इस ऑप्टिक एरिया से पहले वाला पार्ट है दैट इज प्री ऑप्टिक एरिया हाइपोथैलेमस तो ये दोनों कंट्रोल करते हैं थर्मो रेगुलेशन को बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एक 38 डिग्री सेल्सियस पर देन वी हैव लिबिडो तो इसको मेंटेन करने वाला पार्ट होता है कुछ फोर ब्रेन का दैट इज सेरिब्रम और सेरिब्रम के कुछ हिस्से के साथ एसोसिएटेड होता है इसमें लिम्बिक सिस्टम तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक जो मेमरीज एंड इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है तो लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट आते हैं सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अगेन का में भी रोल है तो लिबिडो इज सेक्सुअल एराजल इसके साथ साथ यहाँ पे होता है अमिकडेला अमिकडेला इज इमोशनल ब्रेन और इसकी शेप आलमंड जैसे होते हैं इसीलिए इसका नाम है अमिकडेला एंड एक जो तीसरा पार्ट होता है अमिक के अलावा दैट इज किपो कैंपस

अगेन वी तो थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन रेगुलेशन कि जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने वाला काम होता है होम्योस्टेसिस टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट चाहे टेम्परेचर के टर्म्स में हो या फिर अगर वो आयंस के टर्म में हो तो दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन की ब्लड में कौन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इन सबको मेंटेन करने का सेंटर होता है हाइपोथेलमिस में तो इन सभी ऑप्शंस में से जो ऐसा फंक्शन जिसको परफॉर्म नहीं करता क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी आई मेंस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर